दे दे प्यार दे, डायरेक्टेड बाय अकीब अली, रिटन बाय लव रंजन, और कास्ट रकुल प्रीत सिंह, अजय देवगन, तब्बू, जावेद जाफरी, जिमी शेरगिल। ये कहानी 1 साल के एक व्यक्ति की जो अपनी से आधी की उम्र की लड़की से प्यार कर बैठता है और फिर वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और उनके बाद फिर जो समस्याएं स्टार्ट होती हैं उनके ऊपर आधारित एक फिल्म है ये। तो इसमें स्पेशल अपीयरेंस दी गई है सनी सिंह की जो प्यार के पंचनामा और सोनू की टीटू की स्वीटी में हमें वो दिख चुके हैं। काफ़ी अच्छी अपीयरेंस है, जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं हमें हंसाते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है, अजय देवगन एक हॉल में बैठे हैं जहाँ पे उनके दोस्त आते हैं जिनकी अगले ही दिन शादी है बैचलर पार्टी के लिए वहाँ पे। और जैसे ही एंटर करते हैं अपने दोस्त उनके दोस्त तो पूछते हैं कि वेयर आर दी स्टीपर्स, तो उन लड़कियों के बारे में पूछते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, अकेले मतलब वहाँ अजय देवगन बैठे हैं सोफे पे जो आराम से ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके ऊपर अजय देवगन बोलते हैं कि कल तेरी शादी है, आज आराम से बैठ, चिल कर, ड्रिंक कर, और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितने यहाँ पे मैच्योर दिखाए गए हैं, सुलझे हुए दिखाए गए हैं। अजय देवगन ने किरदार निभाया है एक आशीष नाम के एक व्यक्ति का वहाँ पे। फिर इसके बाद एक एंट्री होती है एक लड़की की, जिसमें हॉल कह लो या रूम कह लो, जिसमें एंट्री होती है लड़की की जो डांस करते हुए अपने कपड़े उतारती है और जो आशीष है उसके आशीष के दोस्त के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, उसके मतलब उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। जो इस लड़की को भेजा हुआ होता है वो भेजती है इस जो होने वाली इसकी वाइफ, इसी लड़के की होने वाली वाइफ है, इसको मतलब इसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए भेजती है। यहाँ पर ये लड़की है जो डांस करते हुए इस लड़के के ऊपर बैठती है। इस लड़की का नाम है आयशा, जिसको जिसको निभाया है रुकुल प्रीत सिंह ने। तो जैसे ही आयशा लड़के के ऊपर बैठती है वैसे ही लड़के की जो होने वाली वाइफ है वो आती है और एकदम से लिटरली उसके ऊपर टूट पड़ती है और बहुत जोर से लड़ाई होती है वहाँ पे। जो ये जो सीन चलता है जहाँ से लड़के के ऊपर जैसी वो लड़की आती है आयशा आती है और डांस करती है अपने कपड़े उतारती है और उस लड़के के ऊपर बैठती है और फिर जैसे वो लड़की उसके ऊपर जो उसके होने वाली वाइफ है वो आती है और उसके ऊपर चिल्लाती है, तो ये सीन बहुत कुछ कहता है अपने आप में। बहुत गौर से आप अगर इस चीज़ को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एक एक लाइन एक एक वर्ड जो है बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, आपको मतलब कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ समझने को मिलेगा पुरुष जाति के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट जब ये जो इनका ड्रामा चल रहा होता है, काफ़ी लड़ाई चल रही होती है, तब इसी को शांत करती हैं आयशा वहाँ पे ये कहते हुए कि भाई इस लड़की की कोई गलती नहीं है, जब मैं डांस कर रही थी और जब इसके ऊपर बैठी थी तो मैंने अपने नीचे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। तो ये सब कहती है वो यहाँ पे, उस माहौल को शांत करती हैं। फिर इनके बाद यहाँ पे पार्टी होती है, शराब पीते हैं वो सभी के सभी। उसके बाद आयशा क्या है, इतनी ज़्यादा शराब पी लेती है कि वो बाथरूम में वहाँ पे सो जाती है और अजय देवगन यानी आशीष वो उसको आयशा को वहाँ पे देखता है तो उसको क्या करता है, उसको उठा के बेडरूम में लेके जाता है और उसके कपड़े को चेंज कर देता है। सुबह जब आयशा उठती है तो ये देखती है कि उसके सारे कपड़े अलग किए गए हैं, निकाले गए हैं, तो उसने सोचा कि रात को कुछ ना कुछ हुआ है वहाँ पे। और फिर वो अपने आप को बहुत ही मतलब एक मॉडर्न ख्यालात की एक लड़की वहाँ पे दिखाया है और जो कहती है कि भी हाँ ये सब नॉर्मल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों पे। काफ़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं इस मूवी में, बहुत अच्छी मूवी है। फिर जब वो धीरे धीरे अब अजय देवगन और आशीष यानी आशीष और आयशा जब धीरे धीरे अब मिलते हैं इस मूवी में, उनके बीच जब मुलाकात बढ़ती है तो वहाँ पे अजय देवगन को एक तरीके से इतनी उम्र होने के बाद उनको एक गिल्ट में दिखाया गया कि भी मैं इतना इतना उम्र होने के बाद एक अपनी से आधी उम्र की लड़की की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। तो वो जाते हैं अपने दोस्त के साथ जो एक काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, वहाँ पे उनके साथ वो बात करते हैं, जावेद जाफरी जी होते हैं इसमें। जो इन दोनों के बीच में जो बात होती है बहुत मतलब एक अमेजिंग चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पे अमेजिंग सीन होता है जब जब जावेद जाफरी जी मतलब जावेद जाफरी जी और अजय देवगन का जब भी जो भी इनके दोनों का मिलने के स्क्रीन पे दिखाया गया है, काफ़ी हमें हंसाते हैं, एक काफ़ी अच्छी चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। जब ये दोनों मिलते हैं जावेद जाफरी जी और अजय देवगन की, इन दोनों की कन्वर्सेशन को जैसे मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसी थी वो,
ये चीज़ आप खुद जब वहाँ देखोगे तब आप लोगों को खुद को महसूस होगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब वो शब्द नहीं है उनकी इन कन्वर्सेशन को बताने का, तो बेटर यही रहेगा कि आपने वो मूवी देख ली हो तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें इस मूवी को। फिर जब दोनों आयशा और आशीष शादी करने का फैसला करते हैं तो आशीष कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाने ये लंदन में रह रहे होते हैं, ये कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाने इंडिया लेके चलता हूँ। मैं यहाँ बताना भूल गया कि आशीष का जो है वो एक तलाक हुआ होता है, तलाक तो नहीं कहेंगे कि तलाक नहीं हुआ होता, वो बस अपनी मर्जी से दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से अलग हुए होते हैं, तो वो इसलिए वो लंदन में रहते हैं। यहाँ पे जब आयशा से मिलता है उससे प्यार होता है तो दोनों शादी करने का जब फैसला करते हैं तो वो आयशा को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाने ले चलता हूँ इंडिया में। जब वो इंडिया में जाते हैं तब वहाँ पे बताने जब अजय देवगन वहाँ बताने आता है कि वो उससे शादी करने वाला है, तो एक बहुत बड़ी एक जो प्रॉब्लम होती है वो उनके सामने आती है और वो उस चीज़ को हैंडल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि एक सीन होता है इसके अंदर, आयशा और आशीष की जो एक्स वाइफ यानी तब्बू, वहाँ पे इन तीनों के बीच में कुछ ऐसी लड़ाई हुई, लड़ाई तो कहेंगे मतलब कुछ एक अनबन हुई हुई होती है, और उस अनबन को लेके आयशा आशीष को छोड़ के उस इंडिया को छोड़ के तब जा रही होती है वहाँ पे। तब आशीष उसे मनाने के लिए पीछे से आते हैं, पीछे से आते हुए वो जैसे देखते हैं कि आयशा जा रही है और उनके सामने सामने ऊपर ही उनकी बेटी रो रही होती है, तब एक बाप कैसे रुक जाता है, मतलब कि वो एक सीन महसूस करने वाला है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या करता है। वहाँ पे वो रुक जाता है, उसको रोते हुआ नहीं देखता और वो पीछे कदम हटा लेता है कि आयशा को जाने देता है और अपनी बेटी को बड़ा इंपॉर्टेंट देता है उसकी खुशी के लिए, वो पीछे रुक जाता है। तो एक अच्छी मूवी है, हमें ये बहुत कुछ बताती है ये मूवी। कुल मिलाकर कहूँ तो एक बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। मैं इसे देना चाहूँगा 8 out of 10 star। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।